हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा कोड है और जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखिए ये मुझे एरर दे रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। आज की इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि ये एरर कब आती है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एरर कहती क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, यानी इसे आइटरेट नहीं किया जा सकता। यानी ये ऐसी जगह पर यूज हुआ होगा, इंट वैल्यू वहां पर आ रही होगी जहां पर हमें आइटरेबल चाहिए। आइटरेबल मतलब जिसे आइटरेट किया जा सके, जिसमें से एक एक एलिमेंट निकाला जा सके, राइट। आइटरेबल हो सकते हैं जैसे आपका लिस्ट, टपल, इस तरीके की चीजें जो कलेक्शन है, जिसने कुछ होल्ड किया हुआ है वो क्या है, आइटरेबल है। लेकिन वो कलेक्शन ना हो कर करके क्या है, कोई इंट वैल्यू है। और लाइन नंबर भी बता रहा है, लाइन नंबर को कितना है हमारा, लाइन नंबर है 4। तो अगर हम अपने कोड के अंदर देखें तो लाइन नंबर 4 पर ये लूप चला हुआ है और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नेम्स की एक एक पोजीशन से, पहले 0 पोजीशन से, फिर 1 पोजीशन से, फिर 2 पोजीशन से निकाल करके एलिमेंट उसे अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर नेम में स्टोर कर रहे हैं, फिर उसे प्रिंट करा रहे हैं। यानी ये जो कोड है ये कैपिटल लेटर में प्रिंट करेगा। लेकिन आप देखें यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हमने एन में वैल्यू स्टोर करानी है और यहाँ पर आता है कलेक्शन, वैल्यूज का कलेक्शन। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया है लेन, लेन यानी इस लिस्ट की लेंथ बताएगा। इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3। तो यानी यहाँ पर आएगा 3। लेकिन क्या हमें यहाँ पर 3 चाहिए होता है या कलेक्शन चाहिए होता है वैल्यूज का? हमें यहाँ पर वैल्यूज का कलेक्शन चाहिए होता है। यानी यहाँ पर या तो हम लिस्ट मेंशन करें, और अगर हमें इंडेक्स निकालना है तो लेंथ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ नंबर्स होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज जनरेटर हमें क्या करेगा, इस वैल्यू तक नंबर जनरेट करके देगा। यानी ये एक कलेक्शन होगा। अब इसमें से आप एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस एरर को लूप के साथ ही देखते हैं कि यहाँ पर आप गलती से मेंशन करेंगे लेन या कोई इंटीजर नंबर, और उसके बाद जब आप उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये इसी तरह की एरर देगा। अब ये रिजॉल्व हो चुकी होगी, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, राइट। तो ये एक सिनेरियो हुआ। दूसरा सिनेरियो, कोई भी जगह जहां पर हमें कलेक्शन एक्सपेक्टेड है और वहां पर आप क्या पास कर देते हैं, वहां पर आप एक इंट वैल्यू पास कर देते हैं तो भी ये इसी टाइप की एरर देगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है ए, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 5 या 6 कुछ भी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ। तो आपने लिखा यहां पर लिस्ट ए। अब देखिए, अब क्या ए लिस्ट में कन्वर्टेबल है? क्योंकि देखिए लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एक करके आइटरेट करेगा। लेकिन यहां पर कलेक्शन होना चाहिए था वैल्यूज का, यहां पर सिंगल वैल्यू है तो ये इसे नहीं कर पाएगा और यहां पर भी सेम एरर देगा, इंट इज नॉट आइटरेबल। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। किसे आइटरेट कर सकता है? अगर ये कोई मान लीजिए टपल होता, अब ये वर्क करेगा। हालांकि प्रिंट कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने प्रिंट कराया नहीं है। ये लीजिए, मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। अब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा। इसी तरीके से ये कोई जनरेटर भी हो सकता था। तो अगर मैं इसे रेंज में कन्वर्ट कर दूँ तो रेंज को भी हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। तो जब भी आपको ये एरर आए, अपने कोड को ध्यान से एनालाइज करो, जिस लाइन पर ये एरर आ रही है वहां पर जरूर आपने कुछ ऐसा कर रखा होगा जहां पर आइटरेटर रिक्वायर्ड है लेकिन वहां पर कोई एक इंट वैल्यू आ रही होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।